समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व रामपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे आजम खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। 27 अक्टूबर को भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी आजम खान की विधायकी रद्द किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने रामपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में जारी होने वाली अधिसूचना को अगले आदेश तक जारी ना किए जाने का निर्देश दे दिया है। इस बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने पत्र भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि रामपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में 10 नवंबर 2022 को प्रकाशित होने वाली अधिसूचना अगले आदेश तक जारी ना किए जाने का निर्णय लिया गया है। दरअसल बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को 48 घंटे की मोहलत दे दी है। इसके साथ ही आजम खान को सजा की सुनवाई के लिए जिले एमपी एमएलए कोर्ट जाने की भी सलाह मिली है। डीवाई चंद्रचूड़ की कोर्ट ने यह फैसला दिया है, अगर जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा को स्थगित कर दिया तो इस चुनाव के रुकने के भी आसार हैं। जानकारी हो कि अपनी सदस्यता जाने को लेकर आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। जिस पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने यूपी सरकार से जवाब मांगा कि आखिर आजम खान को अयोग्य ठहराने की क्या जल्दी थी, आपको कम से कम उन्हें कुछ मोहलत देनी चाहिए थी। बता दें कि आजम खान को 27 अक्टूबर को भड़काऊ भाषण मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद रामपुर अदालत ने उन्हें 3 साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने खान को सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराने का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मुख्य सचिव ने ये कहा था कि विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।